हेलो ऑल, कैसे हो आप सर? आज का टॉपिक है जेलेसी इन इंडियन फैमिलीज़। इंडियन फैमिलीज़ और एज सच अगर हम बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करें तो इंडियन सोसाइटी, लाइफ के हर एक आयोटा में, हर एक पहलू में आपको पॉलिटिक्स दिखेगी। हालांकि आजकल जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं, तो कौन सी पार्टी जीतेगी आपके हिसाब से? यू कैन नो राइट द नेम ऑफ द पार्टी कमेंट सेक्शन में। मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा कौन जीतेगा, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कितनी सीट्स आएंगी, क्या आएंगी? जस्ट फॉर फन आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो सिर्फ देश में ही नहीं, सिर्फ स्टेट्स में ही नहीं, सिर्फ गांव में नहीं, सिर्फ ग्राम पंचायत में नहीं, हमारे इंडियन सोसाइटी में हर जगह पॉलिटिक्स है। हर जगह पॉलिटिक्स का एक तड़का है, एक फ्लेवर है। अगर हम अपने आसपास ऐसे चारों तरफ ऐसे देखें और ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो हर एक चीज़ में पॉलिटिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कोई लड़की है, उसका कोई हस्बैंड है, ठीक है। अब लेट से दोनों कपल जा रहे हैं, ठीक है, शादी वादी में, ठीक है, हो गया, इमेजिन करिए। और इनफैक्ट होता भी ऐसा, और वो लड़की बोलती है अपने हस्बैंड को, देखो यार, फलां फलां के हस्बैंड, फलां फलां लड़की के हस्बैंड, देखो वो कितने फिट है। और उसके खुद, जो लड़की है, उसके खुद के हस्बैंड का तो निकला हुआ है। तो अब इस केस में जो लड़की है, जिसका जिसके हस्बैंड का तो निकला हुआ है, वो जो लड़की है वो जेलस फील करती है, राइट, उस दूसरी लड़की से जिसके हस्बैंड का बेल्ट एकदम चटाक है, एकदम उसका हस्बैंड भी सेक्सी है, अच्छे बाल हैं वगैरह वगैरह। अदरवाइज ऑन द कॉन्ट्री अगर देखें तो उसका हस्बैंड इतना सेक्सी नहीं है, नॉट सो दैट, नॉट दैट सेक्सी। ऐसे में लड़की का तो जलन तो हो ही रही है ना। अब जब लड़की, यानी कि जो महिला है, वो जब अपने हस्बैंड को ऐसा बोलती है, तब भी उस हस्बैंड की बहुत जलती है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड सोचता है, अरे यार, मुझे मेरी वाइफ कंपेयर कर रही है, ऐसे करेगी तो क्या होगा। मेल ईगो बहुत हर्ट होती है, तो उस मेल ईगो के चक्कर में वो जलन करता है, वो जो मैन है, वो जो लड़का है, वो जो पुरुष है, वो उसके अंदर जलन की भावना आती है। और तब जाके वो जिम की मेंबरशिप लेता है, और वो सोचता है, नहीं यार, मेरी बीवी, मेरी वाइफ मुझे ऐसा बोल रही है, थोड़ा सा बोल रही है कि थोड़ा फिट हो जाओ, अपना टोन वोन कम कर लो। तो थोड़ा सा वो अपने डाइट पे ध्यान देता है, और थोड़ा वॉक करना शुरू करता है, एक्सरसाइज करना शुरू करता है, जिम की मेंबरशिप ज्वाइन करता है, ठीक है। तो ये एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा पहलू, हाउसवाइफ, यानी कि कोई भी लेडी, दो लेडीज़, एक लेडी जो घर भी संभालती है और बाहर पैसे कमा के भी आती है, नौकरी भी करती है ना। और दूसरी तरफ सिंपल हाउसवाइफ जो नौकरी नहीं करती है। अब हाउसवाइफ्स बोलते हैं कि वी आर होम मेकर्स, तो अब होम मेकर्स बोलते हैं, तो वो स्पेशली होम मेकर्स जलते हैं उन लेडी से जो कि बाहर काम करती है। अब ऐसा तो नहीं है भाई कि यार होम मेकर्स, तो क्या आप देखना चाह रहे हो कि अगर जो जो महिलाएं काम नहीं करती हैं वो होम मेकर्स हैं, और जो महिलाएं काम करती हैं होम ब्रेकर्स हैं? ऐसी बात नहीं है, दैट्स अ रॉन्ग नोशन। बट स्टिल उनको ऐसा लगता है कि यार, ये फला फला मिसेस नेहरा बाहर, बाहर जाती है, पैसे कमाती हैं, और मे बी शायद उनको शायद इज्जत ज़्यादा मिलती होगी अपने फैमिली में, वनस्पत उसके खुद के फैमिली में, जहाँ पर वो बेचारी हाउसवाइफ है, बच्चे संभाल रही है, खाना बना रही है, सारा झाड़ू पोछा बर्तन, सारे एवरीथिंग शी इज़ डूइंग, स्टिल शी इज़ नॉट गेटिंग द रिकग्निशन फ्रॉम हर चिल्ड्रेन और हर हस्बैंड। सो यहाँ पर भी जलन की भावना होती है, राइट। तीसरा पहलू बहुत सिंपल, अगर मैं बच्चों से रिलेट करूँ तो आपके जो टॉपर स्टूडेंट होता है, टॉपर स्टूडेंट के साथ साथ उसके साथ में जो सर्कल होता है ना साथ में, वो भी सोचता है, अरे यार, इसके नंबर ज़्यादा आ गए, या इसके नंबर ज़्यादा आ गए, मैं इससे अच्छा करूँगी, या मैं इससे अच्छा करूँगा,
तो बच्चों में भी बहुत कंपटीशन है, जो कि मतलब टॉप 5 टॉप 10 बच्चे नहीं होते जो अपने आप को परसीव करते हैं कि नहीं नहीं मैं तो यार टॉप 10 में आता हूँ या मैं तो यार टॉप 10 में आती हूँ ऐसा, तो उनमें भी कंपटीशन है, उनमें भी जलन की भावना है। अच्छा इसके आज इसके बोर्ड्स में बोर्ड्स का रिजल्ट भी आ गया, इसके बोर्ड के रिजल्ट में अच्छा इतने नंबर आए, ठीक है अब मैं इसे जेई से जगह लाऊंगा, जेई में इससे अच्छा स्कोर करूंगा या मैं नीट में अच्छा करूंगी या जेई में अच्छा करूंगी नीट में अच्छा करूंगा जो भी। तो ये भी है, ऑफिस में भी सेम होता है। अगर आपके दोस्त को ध्यान सुनेगा, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, अगर आपके दोस्त को आपसे ज़्यादा इंक्रीमेंट मिल जाए और आपको कम मिले, तब भी आपको लगेगा कि अरे यार ऐसा कैसे, मैं तो बहुत मेहनत की थी तो बॉस ने इसको ज़्यादा इंक्रीमेंट क्यों दिए, तब भी जलन होती है, राइट। कोई बेस्ट एग्जांपल ऑफिस में एक इंटर्न है, लेट्स से बंदा है, चलो ठीक है, तो बंदा आ रहा है गाड़ी में, आ रहा है बंदा और जो इंटर्न तो है ठीक है सबको पता है वो इंटर्न है, गाड़ी में आ रहा है ऑफिस में, और बाकी जो बंदे हैं या बाकी जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं जो उसको लीड कर रहे हैं उससे सीनियर लेवल पे हैं, वो देखते हैं कि यार गाड़ी में आ रहा है और मैं तो यार मेट्रो में आ रही हूँ, मैं तो यार स्कूटी में आ रही हूँ, या मैं यार बेचारा ई रिक्शा में आ रहा हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है जो इसके पास है। ये भी मैटर करता है, ये एक बहुत डार्क चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वेरी फ्यू पीपल टॉक अबाउट दिस इन द ओपन पब्लिक डोमेन। तो बहुत डार्क चीज़ें हैं लेकिन ये चीज़ें मैटर करती है। आप जिस गाड़ी से आते हो, आप कौन सा फ़ोन लेके घूमते हो अपने हाथ में, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आपके कपड़े क्या बॉस से अच्छे होते हैं कि कैसे होते हैं, अगर आप बॉस से अच्छे कपड़े पहनते हो वो भी बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। सब कुछ आपका जज किया जा रहा है और उसी के बेसिस पे लोग बोलते हैं कि यार अरे मुझे नज़र लग गई या ईविल आई वगैरह वगैरह, तो वो सब होता है। लेकिन ये है कि ईविल आई से बचने के लिए कि बस एक ही ऑप्शन है कि आप अपने आप को डिजर्विंग माननी चाहिए, अगर आप चीज़ डिजर्व नहीं करते हैं देन आपको ईविल आई बहुत होती है। एनी वेज सो ईविल आई इज अ सेपरेट टॉपिक, बट ऑफिस में ऐसे भी जलन करते हैं लोग, चलते हैं लोग, कह रहे यार वो जो छोटा बच्चा है, नॉट छोटा बच्चा बट मे बी वो कॉलेज ग्रेजुएट होगा, राइट, मे बी 21 ईयर ओल्ड गर्ल और बॉय, और जो सीनियर है उसकी शादी हो चुकी है, मे बी वेल सेटल्ड शी और ही, राइट, शी और ही माइट बी 35 ईयर ओल्ड, उसके अंडर इंटर्न काम करने आया है या काम करने आई है, उसको लगता है कि यार मैं इतना साल में नौकरी कर रही हूँ या नौकरी कर रहा हूँ और तब भी मेरे पास इतनी अच्छी गाड़ी नहीं है, इतना अच्छे फ़ोन नहीं है, तो जलन होती है। तो अब ये तो भाई सिनेरियो बता दिया मैंने, लेकिन करें क्या, करना ये है कि कुछ नहीं करना है, मेरा मतलब जलन आपको नहीं करनी है, जलना नहीं है आपको, आपको अगर कंपटीशन की भावना भी है ना तो खुद से करना है कंपटीशन, खुद से आपको आपके मन में ये होना चाहिए कि रोज़ जब आप सोते हैं और जब आप अगले दिन सुबह उठते हैं तो आप 0.00000001% वाइजर होने चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात, अगर मैं आज सोऊंगा रात को और कल सुबह उठूंगा तो मुझे ये इंश्योर करना है या आपको ये इंश्योर करना है कि मैं जब कल उठूंगा तो मैं इंश्योर करूंगा कि मैं कल से सम परसेंट मैं वाइज़र हूँ, मैंने कुछ नई चीज़ सीखी हो ताकि मैं उसको इम्प्लीमेंट करके पैसा कमा सकूँ या सुखी हो सकूँ या इंटेलिजेंट बन सकूँ या जो भी आपके पर्सनालिटी में कुछ अच्छा उसका इफ़ेक्ट आए, या मे बी बहुत कुछ हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, आपने कुछ नई स्किल सीखी हो या कुछ नई बात सीखी हो आपने, या तो ऑफिस में या घर पे कहीं भी किसी से भी सीखी हो, लेकिन आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना है। और जो ये जलन की भावना, जलते जो हैं आप, वो आपको नहीं करना है,
जलन करने से कुछ नहीं होने वाला, आपका आपकी मेंटल एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपका जो दिमाग है जहाँ उसे फोकस करना चाहिए वो उस पर फोकस ना करके ऐसी फालतू फालतू बातों पे फोकस करेगा एंड यू विल लूज आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. सो अ वेरी स्मॉल वीडियो बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, फॉर ऑल ऑफ अस. हमें जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए. इनफैक्ट जो भी जिसके पास जो भी है वो या तो उसके मेहनत के वजह से है या उसके पिताजी या माताजी के वजह से है, जो कि बहुत जायज़ है. आज मुकेश अंबानी, अडानी, हम लोग जो बोलते हैं कि यार अडानी इतना ये कर दिया ये कर दिया, मुकेश अंबानी को सारे कुछ मिल गया, ये मिल गया, टेंडर मिल गए, वो मिल गए, हम इतनी यू नो मिजरी फैलाते हैं इनके बारे में. क्या आपने सोचा है कि यार आज जो मुकेश अंबानी जी हैं, आज जो अडानी जी हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत है? आपने ज़रा सा सोचा भी है क्या बिफोर पासिंग दिस कमेंट कि यार ये ऐसे हैं वैसे हैं, ये एक्स जी के रिश्तेदार हैं या ये इन पार्टी के ये हैं? आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. तो अगर वो है भी, इनफैक्ट आकाश अंबानी जो मुकेश अंबानी के बेटों में से एक हैं, आज अगर वो कुछ हैं तो हो सकता है कि उनकी मेहनत फिर भी कम हो, अग्रीड, लेकिन उनके पापा की मेहनत तो है ना, और जो उनके पापा ने किया है वो ऑब्वियसली अपने बच्चों के लिए करेंगे. अब कल को अगर आप कुछ करोगे तो अपने बच्चों के लिए करोगे ना, ना कि अपने पड़ोसी के बच्चों के लिए करोगे. या अगर आप मान लीजिए आप ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस आप क्यों जा रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्यों आप बॉस की गाली खा रहे हैं, क्यों आप डेली पैसे कमाने की सोच रहे हैं, क्यों आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप ऐसा एफ डीज क्यों कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों डाल रहे हैं? मत डालिए, आराम से रहिए. क्यों? ताकि आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके रिलेटिव्स सुखी रहें. अब रिसेंटली न्यूज़ आई थी एक नारायण मूर्ति, उनने एक्स एक्स समथिंग ट्रिपल डिजिट क्रोर्स के शेयर्स अपने पोते के नाम किए हैं. कुछ लोग बोल रहे हैं अरे पोते का नाम कर दिया, हम लोग के लिए 70 घंटे को हमें काम करवा रहे हैं. करवाएंगे और आप कर भी रहे हैं, वो तो फिर अब उनकी कंपनी है. अब उनकी कंपनी है तो ऑब्वियसली वो अपने बेटे के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने पोते के लिए मेहनत कर रहे हैं. आज जो खड़ा किया है उन्हें, उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है ना. अगर इतना ही है तो आप भी कर लो. जैसे कि आप लोगों में से कुछ मुझे बोलते हैं कि यूट्यूब पे आता है और कैमरे के सामने हर दोस्तों करके ज्ञान यू नो बांटता है या जो भी करता है. अब मैं कुछ ऑफेंसिव टर्म है वो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन मेरा उन लोगों से ये कहना है कि भाई या बहन आप भी कर लीजिए, आप भी आ जाइए. इससे पहला सब्सक्राइबर मैं आपका ही मैं ही बनूँगा. आप ही आप अपना चैनल का नाम मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपकी वीडियोस देखूंगा. देखते हैं, आप भी आइए, मोस्ट वेलकम. किसने रोका है यूट्यूब में, किसने किसको रोका है? क्या मार्क जुकरबर्ग ने कहा है क्या कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, ये तुम्हारी एज होनी चाहिए? मान लिया कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चा भी अगर करना है ना, अपने माता पिता के अकाउंट से लॉग इन करके भी कर सकता है. कुछ लोग कर भी रहे हैं. तो आपको लगता है कि यार अच्छा है ना, कोई भी कर लेगा, तो आप भी कर लो. आ जाओ, बनाओ वीडियो, बनाओ ज्ञान बांटो. किसने मना किया है? असली बात यह है कि यार देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर डूइंग नौकरी, हु आर डूइंग जॉब, मैनी ऑफ अस आर नॉट केपेबल टू स्टार्ट, टू नॉट केपेबल इनफ टू स्टार्ट इवन अ मोमो स्टॉल. जस्ट इमेजिन, आपसे अगर मैं आज बोलूँ कि चल मोमो स्टॉल खोलते हैं तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी. आपको कुछ पता नहीं है गैस कहाँ से लेनी है, मैदा कितने रुपए किलो मैदा है बताओ आप लोग, कितने लोगों को पता है? अच्छा ठीक है, मान लो पता है. सब्जी कौन सी डालनी है, कितने रुपए किलो सब्जी चल रही है आजकल, कहाँ से लेके आनी है थोक में, पता है आपको? क्या डलता है उसमें, कैसे कितना टाइम लगता है डो को सेट होने में मुँह के, और फिर उसको वान में उसको पैटर्न से लेकर उसको ठीक से सील करने में, आपको आता है?
पता क्या टाइम लगता है आपको? कभी आपने ट्राई किया है बनाना घर पे? आसान तो बहुत है बोलना कि यार मोमो स्टॉल खोल लेते हैं, हम भी कर लेंगे, इसमें क्या है, आओ कर लो भाई, कर भी रहे हैं, जो जिनमें हिम्मत है वो कर रहे हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अदरवाइज पे सिंपल नौकरी है ना, नौकरी का करनी आसान है बहुत, अपना काम करना मुश्किल है। तो जब ऐसे लोग बोलते हैं कि यार अरे इसके तो मज़े हैं, आपको नहीं पता वो जो मज़े कर रहा है ना, भले वो फैमिली का यंगेस्ट मेंबर हो, वो मज़े कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसके पिताजी, उसकी माताजी का बहुत बड़ा हाथ है। उसके माताजी पिताजी और उनके माता पिताजी ने जो जितना संघर्ष किया है, आपको पता कितना किया है? एक पिछली जनरेशन से उसके पिछली जनरेशन ने कितना टॉयल किया है, दे हैव टॉयल्ड हार्ड, दे हैव स्ट्रगल्ड हार्ड, इतनी मेहनत की है, तब जाके उनके जो छोटे बच्चे हैं, उनके पड़पोते जो भी हैं, वो अच्छा देख पा रहे हैं, अच्छा खा पा रहे हैं, आराम से रह पा रहे हैं। आपके इसमें नहीं हुआ तो वो आपकी गलती है, आपको अपने पिताजी को बोलना चाहिए या अपने दादाजी को बोलना चाहिए कि भैया आपने मेहनत नहीं की, आप मेहनत करते तो हम आज अच्छे होते। रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि दुबई में एक बिजनेसमैन ने अपने 18 साल के बेटे को शायद लैम्बोर्गिनी गिफ्ट की है। अब इतने में बहुत लोग चिढ़ जाएंगे, अरे सही है यार, 18 साल का बच्चा इतने कम उम्र में लैम्बोर्गिनी में घूमेगा। हाँ घूमेगा, अच्छी बात है, उसके पिताजी का सब कुछ है, उसके पिताजी ने मेहनत की है भाई, उसके पिताजी ने मेहनत की है पैसे कमाने में, घिसा है, उसने भी नौकरी की होगी, बाद में उसने खुद का कुछ किया, स्टार्ट किया होगा, लोग के गाली खाई होगी, लोगों से रिक्वेस्ट किया होगा कि मेरा सामान लो, जो प्रोडक्ट बेचते होंगे वो, क्लाइंट से गाली की होगी, पेमेंट्स जो होते हैं क्लाइंट्स के द्वारा जो किए जाते हैं वो कभी वो टाइम से नहीं आते हैं, और भी बाकी चीज़ें होती हैं। मोमो का स्टॉल लगा लो, आपको क्या लगता है बहुत आसान है? पुलिस वाले आएंगे कुछ करेंगे? आजकल जो चल रहा है इलीगल जो होता है कि सब कुछ फोड़ फाड़ के चले जाते हैं, या बाकी जो मन चले आते हैं वो बोलते हैं भाई निकाल, समझ रहे हो, करके देख लो, कहना बहुत आसान है कि भाई ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और ब्लेम करना बहुत आसान है, और जलन करना बहुत आसान है, अरे इसका बढ़िया है, अरे भाई उसके पीछे मेहनत लगी है, और अगर आपको जलन अगर करनी भी है तो अपने से करो, बाहर की दुनिया से मत करो, और ये छोड़ दो, बिकॉज इससे कुछ भला नहीं होने वाला आपका, आपकी मिजरेबल लाइफ में कुछ भी इतना सा फर्क नहीं पड़ने वाला। अपनी लाइफ को बेटर करिए, पैसे कमाइए खूब, नए काम करिए, खुद के काम करिए, नई चीज़ सीखिए, अपने आप को डेली दिन प्रतिदिन बेहतर बनाइए, ताकि आप यहाँ से यहाँ पहुँच सके, और ताकि जब आप यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई जो आज BMW में घूम रहा है या ऑडी में घूम रहा है उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है, तब जाके वो BMW या ऑडी में घूम पा रहा है, और तब आप लोगों से जलना बंद कर दो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही बहुत लोगों मिर्ची लगी हुई बहुत कि यार ऐसे कैसे बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल दिया तूने, ज्ञान बांट रहा है। मैंने वही कहा भाई, पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, आप भी बांट लो, किसने मना किया? आपको अगर मेरी बातें समझ में नहीं आती है, सब्सक्राइब मत करो, मत देखो वीडियो, डिसलाइक ठोको, कमेंट में गाली दो, भाग जाओ, सिंपल, मत देखिए आप वीडियो, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपको मेरी बात सही लगती है, लॉजिकल लगती है यहाँ से, और सुकून मिलता है कि हाँ यार बात सही कह रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए कि आपका इस टॉपिक पे क्या कहना है, कि यार जलन करना हमें रोकना पड़ेगा, हमें अपने आप से कंपटीशन करना है, ना कि बाकी लोगों से, और समझना है कि जो वो बाकी लोग जो हमसे अच्छे हैं, किसी लेवल पे पहुंचे हुए हैं, वो किसी टाइम भी हमारे जैसे थे या हमसे कम थे, और वहाँ से नीचे से उठ के वो आए हैं ऊपर, मेहनत करके, अपना हार्ड वर्क करके। तो आप भी हार्ड वर्क करिए,
चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को. जुड़े रहिए फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू सो मच.